एक और अहम खबर आपको दें कि तहरीके इंसाफ के दो MNA और एक साबिक सूबाई वजीर पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। साबिक MNA सरदार जुल्फ़िकार गुलाम मोहम्मद लाली, साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। डिटेल्स बताएंगे लियाकत अंसारी, हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा मुलाकात का अहवाल। पार्टी की सियासी मंजरनामे पर यह बड़ी सियासी हलचल सामने आई और तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका दिया गया है। दो साबिक अरकान कौमी असेंबली और एक साबिक सूबाई वजीर ने IPP के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात की और उनका साथ देने का फैसला किया है। तीनों रहनुमा जल्द IPP में बाकायदा शमूलियत का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। साबिक MNA सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला, साबिक MNA गुलाम मोहम्मद लाली और साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर की ये मुलाकात जहांगीर तरीन से हुई है। इस मुलाकात में पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम खान और चौधरी और सईद अकबर वाली भी शरीक हुए और जहांगीर तरीन ने तीनों रहनुमाओं को जो है वो पार्टी में आने पर खुशामदी किया और साथ देने पर जो है इनका शुक्रिया अदा किया। जहांगीर तरीन का कहना था कि IPP जो है वो भरपूर अंदाज से सियासी मैदान में उतर चुकी है और आइंदा आम इंतखाबात पर नजर है और पार्टी भरपूर तरीके से जो है वो अपने इंतखाबी जो उम्मीदवार है उनको मैदान में उतारेगी और इंशाल्लाह कामयाबियां समेटेगी। लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका।